दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आप लोग बहुत बहुत स्वागत है जो कानपुर की साइट की पूरी लाइव विजिट में करवाने वाला हूँ। कहाँ से आप जाएंगे, कैसे क्या करेंगे, सारी चीज़ों का अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए। ये देखिए सामने बालाजी का मंदिर है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा बालाजी का मंदिर। यहाँ पे पूरे कानपुर वाले आते हैं दर्शन करने के लिए। बहुत ही फेमस स्थान है। मैं बचपन में करीब जब 13 से 14 साल का था तब यहाँ पे आता था। जब कानपुर में पढ़ाई कर रहा था उस समय यहाँ पे पूजा करने के लिए हम लोग आते थे कभी कभी शनिवार के दिन। तो अब ये देखिए पुल है, इसके बाद अपनी साइड थोड़ी दूर पे बहुत ही जल्द अपनी साइड आने वाली है। ये रोडें जब हम लोग साइड स्टार्टिंग किए थे उस समय बिल्कुल भी बनी नहीं थी, पुल बिल्कुल नहीं बना था, एकदम बिल्कुल लगता था कहाँ हम लोग आ गए हैं। लेकिन आज के समय में 1 से 1.5 सालों के अंदर यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ की चीज़ें बहुत ही बदल चुकी हैं। कानपुर आज के समय में बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे व्यापारी बहुत ज़्यादा हैं, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर अगर देखा जाए कि कानपुर में बहुत सारी कंपनियों के मालिक जो हैं कानपुर में रहते हैं। बहुत सारे उद्योगों की शुरुआत कानपुर से हुई थी। और अगर आप शहर के अंदर चले जाएंगे तो बहुत ही कंजेस्टेड रास्ता मिलता है, गलियाँ मिलती हैं। उन सब चीज़ों को देखते हुए लोग आउटर में रह के, मतलब शहर से लगी हुई ज़मीनें खोज के वहाँ पे अपना एक आशियाना बना के वहाँ पे लोग रहना शुरू करते हैं, ताकि शहर में जाने के लिए कोई दिक्कत ना पड़े। और शहर से जैसे ही आप निकलें तुरंत अपने घर पे पहुँच जाएँ, एक सोसाइटी अच्छी मिले। आखिर बच्चे जिनके भी हैं वो पढ़ने के लिए यहीं आते हैं, यहीं, क्योंकि यहाँ पर स्कूलों की संख्या बहुत ज़्यादा है और बहुत ही डेवलपमेंट एरिया है। आसपास के एरिया देखिए पूरी तरह से खाली है और यहाँ पे लोग अपना आवास बना रहे हैं, घर बना रहे हैं, पूरी तरह से अच्छी अच्छी सोसाइटियाँ बन रही हैं। क्योंकि कानपुर में नया अंदर शहर के अंदर कोई अच्छा विकास हो नहीं सकता है, इसलिए जो भी डेवलपमेंट हो रहा है शहर के आउटर में ही हो रहा है। तो ये सब देखिए इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आउटर में पूरी बसी हुई हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करने के लिए यहाँ पर आते हैं कानपुर शहर से। तो अगर सोचिए इस इंडस्ट्री के अगल बगल में कहीं आपके पास ज़मीनें हैं, अपना घर है, तो आपको यहाँ पर जो शहर का जाम और पोल्यूशन जो भी चीज़ें रहती हैं उन सब चीज़ों से बच सकते हैं आप। और एक अच्छे इन्वायरमेंटल में अपने प्लाट को ले सकते हैं, अपना आशियाना बना सकते हैं, खुला एरिया रहेगा बिल्कुल। ये सब देख रहे हैं, पूरे कानपुर को इंडस्ट्री हब कहा जाता था। वो बिल्कुल आप लाइव देख भी रहे होंगे कि हाँ कानपुर क्या डेवलपमेंट, क्या भविष्य कानपुर का है आने वाले समय में। क्योंकि जहाँ पे इंडस्ट्री रहती है वहाँ पे लोग आते हैं जॉब करने के लिए, हो चाहे किसी भी कारणवश वहाँ पे रहना लोग शुरू कर देते हैं। और यहाँ पे यहाँ के लोकल लोग ही नहीं रहते हैं, कई जगहों से लोग आते हैं, पूरे इंडिया के कोने कोने से लोग आते हैं। तो सोचिए जब आपके टाउन के बगल में एक अधिकारी रह रहा है कोई बड़े लेवल का और आपका बगल में हो घर, तो कहीं ना कहीं एक माहौल जो होता है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा। जब माहौल मिलेगा तो आपके परिवार के बच्चे उसी जेंट्री में ढलेंगे और उसी तरह से वो रहना खाना पीना और उसी इन्वायरमेंटल में वो ढल जाएंगे। फिर जैसे इन्वायरमेंटल चेंज होगा वो उसी लेवल से सोचना शुरू कर देंगे, जब सोचेंगे तो उसी लेवल के अधिकारी वो भी बनने के लिए एक इच्छा रहेगी कि हाँ हम भी बड़े होके ऐसा बनेंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ होती है माहौल का। अगर आपके पास माहौल है तब भी आप कुछ आगे कर पाएंगे, अगर नहीं है माहौल तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ज़्यादातर लोग देखते हैं कि IAS PCS जितने भी अधिकारी रहते हैं वो अपने बच्चों को कहीं ना कहीं इसी लेवल में लेके जाते हैं कि हमारा भी बच्चा ऐसा ना रहे कहीं प्राइवेट में जाके 15,000-20,000 रुपये की नौकरी करे। गांव वाले क्या सोचते हैं कि हमारा बच्चा जाएगा शहर में 15-20,000 रुपये की नौकरी करेगा, उसमें से हमको 2-4-5,000 रुपये भेजेगा। लेकिन एक अधिकारी का लड़का यही होता है कि वो सोचता है कि जिस लेवल पर मैं हूँ उससे ऊँची पोस्ट पर जाए, क्योंकि उसकी सोसाइटी वही हो चुकी होती है, उसका इन्वायरमेंटल वही मिल चुका होता है। वो आगे के लिए अपनी प्लानिंग कर लेते हैं, इतना खर्चा उनका हो जाता है कि इतने चीज़ें वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे उतने अमाउंट में, इसलिए वो हमेशा बड़ा सोचते हैं। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे तब तक आप बड़ा नहीं बन पाएंगे। इसलिए सब कुछ होता है माहौल के ऊपर। ये देखिए पूरी मार्केट बसी हुई है, करीब 4 मिनट की वीडियो, 4 मिनट की डिस्टेंस पर हम लोग आए हैं अभी। अब यहाँ पर देखिए ये पूरी सोसाइटी बसी हुई है, ये मार्केट पूरी बसी हुई है, ये देखिए पूरी सोसाइटियाँ बसी हुई हैं लोग। ये इसके जस्ट बाद हम जो लोग जाएंगे 1 से 1.5 किलोमीटर के बाद अपनी टाउनशिप शुरुआत हो जाती है। तो ये गोविंद नगर की मार्केट है। यहाँ पे पूरा आज के समय में देखिए कोचिंग बहुत सारी चीज़ें हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट सारी चीज़ें खुली हुई हैं। और कितनी अच्छी सोसाइटी लग रहा है कि कानपुर के अंदर ही हम लोग चल रहे हैं। अभी चारों तरफ मकान, पक्के मकान लोग रह रहे हैं। यहाँ से लोग चाहते होंगे कानपुर में जॉब करने के लिए, तो सोचिए अपनी साइड बहुत बेहतरीन है। एक कंजेस्टेड एरिया कितना लग रहा है ये भी देखने को आपको पता लग जाएगा। लेकिन
एक बार साइट जब अपनी देखेंगे तो ये सब चीज़ें भूल जाएंगे कि हाँ इतनी प्राइम लोकेशन पे आपको कहीं प्लाट कानपुर में मिल रहा है। माय फ्रेंड्स, बैंक, एटीएम, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारी चीज़ें आपको 24 आवर कन्वेंस की सुविधाएं, ये सब चीज़ें मिल रही है। अच्छे जितने भी बच्चे हैं, देखिए आप लोग देख रहे होंगे कोचिंग करके जा रहे हैं अपने घर घर पर। तो कानपुर एक एजुकेशन में बहुत टॉप का है। हर आदमी कहीं ना कहीं कानपुर से जुड़ना चाहता है और काम करना चाहता है, कानपुर में रोज़गार लेना चाहता है। अभी रोज़गार की अपार सीमाएं हैं। आप एक बार कानपुर की विजिट करिए, आपको खुद ही अच्छा लगेगा कानपुर। अब हम लोग आ गए हैं सरसौल मार्केट में। देखिए सामने सरसौल है, सरसौल जैसे समाप्त होता है उसके बाद अपनी साइड स्टार्ट हो जाती है। माय फ्रेंड्स, देखिए कितना बढ़िया रोड। इस रोड पर जब काम चल रहा था उस समय लगता था हम लोग कहाँ आ गए हैं, कैसे गया। नवोदय विद्यालय भी आपको इस साइड, नवोदय विद्यालय है तो सोचिए नवोदय विद्यालय कितना खूबसूरत होगा। आपके अंदर यहाँ शायद हो सकता है दिखाई ना दिया हो, लेकिन वहाँ पानी टंकी उनकी जो लग रही है वो नवोदय विद्यालय की टंकियाँ हैं, ये लगी हुई है। इंजीनियरिंग कॉलेज, ये देखिए अपोलो इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एंड टेक्नोलॉजी है, अपोलो कॉलेज। यहाँ पे देखिए सामने आपको ये मिल गया है, ये आपको सामने अपोलो का बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अपोलो कॉलेज है। तो माय फ्रेंड्स, इंजीनियरिंग कॉलेज और इंस्टीट्यूट यहाँ पे अनलिमिटेड हैं। अब सोचिए जहाँ पे बच्चे इतने हजारों हजारों बच्चे एक एक कॉलेज में पढ़ते हैं तो कितना डिमांड होगी। अगल बगल वाले यहाँ से जाते हैं कानपुर शहर में रहने। अगर आप इस ज़मीन को ले लेंगे और यहाँ पे अपना एक आशियाना बना लेंगे तो वो रेंट पे उठ जाएगी, हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन फिर भी आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपडेट करना पड़ रहा है, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें आपको अपडेट कर रहा हूँ ताकि थोड़ा लंबी हो जाए, लेकिन आप लाइव विजिट कर लें। अगर आप कानपुर आ रहे हैं देखना, देख सकते हैं इन सब चीज़ों को, आपको आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तब भी आप लाइव विजिट कर लेंगे। अब सरसौल को करीब करीब हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, सरसौल मार्केट के बाद ही अपनी साइड है। अभी देखिए बहुत सारे ऐसे हैं जो कमर्शियल चीज़ें यहाँ पे डेवलपमेंट और बहुत तेज़ी से लगी हुई हैं। इस साइड देखिए पूरी कमर्शियल चीज़ें डेवलपमेंट हो रही हैं और आने वाले समय में सोचिए यहाँ इस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो भी चीज़ें बन रही हैं, यहाँ पे कितने लोग आने वाले हैं ये सब जानते हैं। आज नहीं 2 साल बाद यहाँ पे आबादी बिल्कुल बस जाएगी, उस समय ज़मीनों का रेट 4 से 5 गुना बढ़ जाएगा। तो अभी आपके पास टाइम है कि वहाँ पे प्लाट लेने के लिए कानपुर में और अपना एक आशियाना बनाने के लिए। यहाँ से अपनी साइड जस्ट बगल में ही पड़ने वाली है, थोड़ी दूर पे अपनी साइड है, मात्र 1 से 1.5 मिनट के अंदर। तो जैसे ही सरसौल समाप्त होता है तुरंत अपनी साइड पड़ जाती है। तो माय फ्रेंड्स, यहाँ पे आइए, अपने प्लाट की बुकिंग करवा के प्लाटिंग पे मार्किंग कर लीजिए, अपना घर बनाना है घर बनवा लीजिए। कमर्शियल प्लाट चाहिए कमर्शियल प्लाट ले सकते हैं, रेजिडेंशियल प्लाट चाहिए रेजिडेंशियल प्लाट ले सकते हैं, सभी प्लाट यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो देखिए अपनी जैसे ही मार्केट समाप्त होती है अपनी साइड पे हम लोग चल गए हैं, देखिए कंपनी का बोर्ड लगा हुआ है। तो आइए आज आपको पूरी विजिट करवा ही देते हैं जो हमारी मिलेनियम सिटी है। देखिए सामने बिल्कुल हाईवे, 4 लेन हाईवे सामने आपको दिखाई दे रहा है। 4 लेन हाईवे पे बोर्ड लगा हुआ है, इसके लेफ्ट साइड में देखिए अपनी साइड है। थोड़ा सा मैं अंदर लेके चलता हूँ, साइडों को पूरी विजिट करवा देता हूँ। अभी यहाँ पे बारिश के कारण थोड़ी सी घास वास लग गई थी, इसका काम शुरू हो गया है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको अपडेट करके दे दूँगा क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं और क्या क्या चीज़ें और यहाँ होने वाली हैं। देख रहे हैं पूरी चारों तरफ ईंटे गिरे हुए हैं, मार्किंग हो रही है और सामने बिल्कुल हाईवे पर लगी हुई है, खूबसूरत सी साइड आपको दिखाई दे रही है। तो एक बार अंदर की विजिट करवा देता हूँ। तो दोस्तों अभी हम अपनी साइड पे आ गए हैं। द मिलेनियम सिटी कानपुर की एक ऐसी साइड है जहाँ पे कंपनी 50-50 फीट की रोडें आपको डेवलपमेंट करके दे रही है और हाईवे से लगी हुई साइड है। हाईवे से जैसे ही राइट साइड में जाते हैं वहाँ पे कंपनी अपना एक कमर्शियल प्लाट छोड़ के रखी हुई है। आप देख रहे होंगे गाड़ियाँ चल रही हैं 24 आवर। इस रोड को 6 लेन किया जा रहा है, गैस की पाइपलाइनें पड़ गई हैं। कानपुर को एक कमर्शियल कॉरिडोर के रूप में पूरा डेवलपमेंट किया जा रहा है, क्योंकि आज के समय में लखनऊ के बाद जो है कमर्शियल की चीज़ें जो है कानपुर में सेटलमेंट हो रही हैं। लखनऊ एक टूरिस्ट प्लेस बनाया जा रहा है और कमर्शियल की चीज़ें लखनऊ से सटा होने के कारण पूरा कमर्शियल का जो रोज़गार जो आपको सबसे ज़्यादा अगर कहीं मिलने वाला है तो वह कानपुर महानगर में। तो माय फ्रेंड्स, अभी एक बेहतरीन ऑप्शन है क्योंकि अगल बगल में इतने इंस्टीट्यूट इंजीनियरिंग कॉलेज आप वीडियो में देखे ही होंगे, करीब 7 से 8 इंजीनियरिंग कॉलेज इंस्टीट्यूट बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सारी चीज़ें बन रही हैं। तो सोचिए अपनी
साइड से मात्र 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, वो भी हाईवे पे। अगर आज के समय में यहाँ पे प्लाट ले लेते हैं, अपना मकान बना लेते हैं, घर बनवा लेते हैं, आपका मकान कम से कम 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का रेंट देगा। तो इससे बेहतरीन, इससे अच्छी चीज़ें आपको कहाँ मिलने वाली, मतलब एक पैसिव इनकम जो मैं बताता हूँ ना, आप एक बार घर ले कर मकान ले कर छोड़ दीजिए, लाइफ टाइम आपको इनकम आती रहेगी। किराएदार बिजली का बिल देगा, मेंटेनेंस अपना खुद करवाएगा, आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ हर महीने आपके पास रेंट आता जाएगा। तो माय फ्रेंड्स, इससे बेहतरीन साइड है और इससे खूबसूरत साइड कहीं नहीं मिलने वाली है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको लाइव दिखाई दे रही है। अभी डेवलपमेंट नहीं हुआ यहाँ की साइड, कल से यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा। मैं अगली वीडियो में आपको अपडेट कर दूंगा क्या क्या डेवलपमेंट हो गया यहाँ पे, क्या क्या और चीज़ें होने वाली है। और देखिए सामने पूरे ईंटें गिरे हुए हैं, आप देख रहे होंगे, और रोड की मार्किंग हो चुकी है, रोड पे कुछ लोग प्लाट भी, 2-4 प्लाट अभी बुके होंगे। अभी बिल्कुल आपको अपने प्राइम लोकेशन के हिसाब से यहाँ प्लाट भी मिल जाएंगे, अभी प्लाट बहुत सारे खाली हैं यहाँ पे। और कमर्शियल जो है आके सामने रखी कंपनी, उसका 3,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के रेट से, एक ही साथ अगर कोई कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है तो करीब 5,000 स्क्वायर फीट के आसपास का बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ कमर्शियल प्लाट है। इसके पीछे का रेट जो है 699 रुपये पर स्क्वायर फीट है, पहली बार कानपुर में। सोचिए 699 रुपये पर स्क्वायर फीट, अगर मात्र और मात्र 1 किलोमीटर और अंदर जाएंगे आप सरसौल मार्केट में, वहाँ पर प्लाटों का रेट 2,000 रुपये, 2,200 रुपये, 1,800 रुपये, ऐसे कर करके लोग लिंकअप रोड पे अंदर बेच रहे हैं। तो इतनी बेहतरीन साइट अपनी हाईवे पे लगी हुई है, और उसके बाद कस्टमर को कन्वेंस की सुविधाओं का 24 आवर यहाँ मिल रहा है, और चौड़ी चौड़ी रोडें हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ अवेलेबल मिल रही हैं। तो माय फ्रेंड्स, इससे बेहतरीन और इससे खूबसूरत साइट कानपुर की नहीं मिलने वाली है। अपनी साइट से 2 किलोमीटर आगे आउटर रिंग रोड जो कानपुर का बन रहा है, कमर्शियल की बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे अगल बगल में आपको देखे होंगे। आप अगर कानपुर के रहने वाले हैं तो आपको पता भी चल गया होगा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई रोड डेवलपमेंट इस समय हो रहा है तो कानपुर टू प्रयागराज हाईवे डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पर जो डेवलपमेंट की अपार सीमाएँ हैं, यहाँ पे इतनी सीमाएं हैं कि आप अनुमान नहीं लगा सकते कि कितने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट हैं। आप देखे होंगे एक जेल भी सामने प्रपोज हो चुकी है, नई जेल जो बन रही है अपने साइड से 1 किलोमीटर पहले ही बन रही है। और अगल बगल की एरिया लोकेलिटी भी आज के समय में रहने लायक है, अगर आप चाहें रेंट पे जो रहते हैं कानपुर में, अगर चाहें तो यहाँ घर बना के भी रह सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर कमर्शियल समझ रहे होंगे आप कि बहुत सारी कमर्शियल कंपनियाँ यहाँ पर काम कर रही हैं, बहुत सारे लोग गोडाउन बनाने के लिए अपनी जगह खोज रहे हैं, तो उनको ज़मीनें बहुत महंगी मिलती हैं। अब यहाँ पे अभी अगर आप आके ले लेते हैं तो 699 रुपये में कहीं नहीं, आपको कुछ भी नहीं लगता है, 10 से 20 लाख रुपए ख़त्म करेंगे और इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बाद आपके पास बहुत बड़ा सा गोदाम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये साइट आने वाले समय में, आने वाले समय का फ्यूचर है, आने वाले समय का भविष्य है, और यहाँ का डेवलपमेंट और यहाँ की चीज़ें आपको देख के ही अनुमान लग गया होगा कि हाँ कि साइट कितनी प्राइम लोकेशन की है। यहाँ पर कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी की जा सकती है। तो इस पूरे जो आगे के प्लाट हैं वो कमर्शियल प्लाट हैं, वहाँ पे आप अभी आके प्लाट की मार्किंग, प्लाट की बाउंड्री, प्लाट पे पजेशन, सारी चीज़ें आप करवा सकते हैं। माय फ्रेंड्स, यहाँ पे कानपुर में जो डेवलपमेंट कैरियर ग्रुप ने किया है उसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, दिखाने की ज़रूरत है। आप लोग देख रहे होंगे कि हाँ क्या चीज़ें हुई हैं यहाँ पे, आप किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। ये सिर्फ ऐसे प्लाट पे बाउंड्री करवाना है, इसके बाद कंपनी अपना रोड का डेवलपमेंट और तेज़ी से बढ़ा देगी। मैं 1 से 2 दिन में और वीडियो अपलोड करूँगा, उसको आप लोग देख लीजिएगा, आपको अनुमान लग जाएगा कि कंपनी ने क्या काम किया, कितना डेवलपमेंट किया है।